अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मशरूम सूप विद गार्लिक ब्रेड की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे 100 ग्राम मशरूम, 1 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून क्रीम, आधा ग्लास पानी, 2 ग्लास दूध, एक छोटी प्याज, उसको बारीक काट लेंगे, एक वेजिटेबल क्यूब, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चॉप लहसुन और 1 टेबलस्पून मक्खन। आप कैन के या फ्रेश मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मक्खन गरम कर लिया है, अब हम इसमें चॉप लहसुन डालेंगे। हल्का फ्राई करेंगे। प्याज डाल देंगे। प्याज को भी फ्राई करना है, थोड़ा सफेद ही रखना है। अब इसमें काली मिर्च डाल देंगे। मैदा डालेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे। अब मशरूम भी डाल देंगे। मशरूम डाल के क्यूब्स डालेंगे। अगर आप फ्रेश मशरूम लेते हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा। अब आधा ग्लास पानी डाल के स्लो फ्लेम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। दो मिनट तक मशरूम को स्लो फ्लेम पे पकाया था, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मशरूम को ब्लेंड करेंगे। ये डाल देंगे इसमें मशरूम। क्रीम डाल देंगे। और दूध डाल देंगे। अब इसको ब्लेंड कर देंगे। सूप को ग्राइंड करने के बाद चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें जोश आ जाएगा तो चूल्हा बंद कर देंगे। अब गार्लिक ब्रेड के लिए हम लेंगे 50 ग्राम मक्खन। मक्खन को माइक्रोवेव में पिघला लिया है। 2 बन, 1 टेबलस्पून चॉप लहसुन, थोड़ा सा नमक लेंगे और 1 टीस्पून ओरिगानो लीव। अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मक्खन में चॉप लहसुन, नमक और ओरिगानो लीव को मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तीनों चीज़ों को। मक्खन में तीनों चीज़ें मिक्स कर ली है अच्छी तरह। अब हम ब्रेड को काटेंगे, इस तरह क्रॉस में काटेंगे। इस तरह काटना है, इसी तरह दूसरा भी काट लेंगे।
अभी ब्रेड काट ली थी, अब इसमें बटर के साथ जो ऑरेगानो मिलाया था अब वो इस तरह लगा लेंगे। इसी तरह सारे तैयार कर लेंगे। ओरिगानो, गार्लिक और बटर ब्रेड में लगा लिया है, अब हम इसे ट्रे में रखेंगे। पहले फॉइल बिछाएंगे और इसको इस तरह फॉइल में डालेंगे और उसको आधा घंटे तक रख देंगे ताकि इन तीनों चीज़ों का फ्लेवर ब्रेड में लग जाए। फिर हम इसे ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। ब्रेड को आधा घंटा हो चुका है, अब हम ओवन को 300 फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट करेंगे और 15 मिनट के लिए ब्रेड को ओवन में रख देंगे ताकि अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। ब्रेड को आधा घंटा हो चुका है, अब हम ओवन को 300 फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट करेंगे और 8 से 10 मिनट तक बेक करने रख देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ओवन प्रीहीट हो चुका है, अब हम इसको रख देंगे। गार्लिक ब्रेड तैयार हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। मशरूम सूप और गार्लिक ब्रेड सर्व करने के लिए रेडी है।